जिस चीज का इंतजार था भाई आखिरकार वो आ ही गया भाई। बहुत अरसे से मैं इंतजार कर रहा था, मैंने काफी दिनों से इसका ऑर्डर दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज पहुंच गया भाई। जैसे पहुंचा तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा चलो यार इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। भाई जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा था मेरा दिल बहुत ज्यादा तेजी से धड़क रहा था, मैंने कहा फाटी ना जाए। मैंने कहा यार चलो यार टिकटॉक से ऑर्डर ही कर लो, काफी टाइम हो गया मैंने टिकटॉक से ऑर्डर नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भाई ऑर्डर किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शूज आ गए भाई। ये शूज बहुत हाई लेवल के लग रहे थे भाई, ये रबड़ के शूज है। और जैसे ही मैंने ये प्लास्टिक के गुब्बारे निकाल के फोड़ा भाई, मैं तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, बहुत मजा आता है। बचपन में भी हम ये प्लास्टिक के गुब्बारे फोड़ते थे यार, बहुत अखीर हाई लेवल के आते शूज, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है भाई। ये पूरे मुझे 20 रिंगट के पड़े हैं भाई, 20 रिंगट पाकिस्तानी कोई होते हैं 1200-1300 रुपए बनते हैं भाई, ये बहुत ही कम्फर्टेबल आते। मैंने कहा यार मेरी तो ईद बन गई भाई, मैं इसको चेक करूंगा टेस्टिंग करूंगा भाई। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने शूजों को पहन के भाई दुकान के अंदर ही चलना शुरू कर दिया। मैंने इसका चेक किया, मैंने कहा कम्फर्टेबल है कि नहीं भाई, बहुत ही कम्फर्टेबल आ रहे थे, फिर भी मेरा दिल नहीं भर रहा था। मैंने कहा नहीं यार इसका ऐसे नहीं टेस्टिंग होगी भाई, मैंने कहा भाई इसकी आज ऐसी टेस्टिंग करूंगा, ऐसी टेस्टिंग करूंगा भाई, आज से पहले किसी ने इसकी ऐसी टेस्टिंग नहीं की होगी भाई। मैं सीधा निकल गया बाहर, मेरा दिल नहीं भर रहा था। मैंने कहा कि यार आज ऐसी हाई लेवल की टेस्टिंग करूंगा कि भाई आप सब खुश हो जाओगे और वीडियो को लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे भाई। लिफ्ट के सीधा अंदर आया हूं, बटन दबा के मैंने कहा भाई दरवाजा बंद हो जाए, तेरी मेहरबानी मेरे से रहा नहीं जा रहा भाई, सीधा मैं ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा। ये गाड़ी एक बहुत हाई लेवल की लग रही थी भाई, मुझे बाहर मामला कुछ सही नहीं लग रहे थे, शीशे में से कुछ अजीब ही नजर आ रहा था। जब मैं बाहर पहुंचा तो मैंने क्या देखा भाई, मेरे तो होश दंग रह गए। मैंने कहा यार ये तो बाहर तो तूफान आया हुआ भाई, इतनी बारिश हो रही साथ ये मेरे बंगले भाई के दोस्त का सारी दुकान बर्बाद होगी भाई, बहुत तेज बारिश हो रही थी भाई। मुझे बहुत तरस आया बेचारे पे, बेचारे ने कितनी मेहनत से ये सारी चीजें रखी भाई। मलेशिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है और दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश भी भाई मलेशिया में होती है भाई। मैं तो अपने बूट को देख देख के भाई बहुत ज्यादा खुश हो रहा था भाई, मगर ये भाई पे मुझे बहुत ज्यादा तरस आ रहा था, कितनी मेहनत से इसने अपनी प्लास्टिक डाली है दुकानों पे यार, बहुत मेहनत करता है ये भाई, सारा दिन गर्मी में भी रहता है और बहुत ज्यादा मेहनत करता है भाई, बहुत ज्यादा तरस आता है। मगर क्या करें भाई, परदेश की ऐसी ही लाइफ होती है भाई, आप लोगों की मेहरबानी, हम परदेशियों को बुरा ना समझा करें भाई। साथ ही मैंने कहा यार बहुत ज्यादा राम खता हो गया, चलो अब मैं अपना व्लॉग ही बना लूं छोटा सा। यार ये देखो बूट मेरे अखीर हाई लेवल के लग रहे थे, मैंने ऐसे ऐसे शॉट लिए भाई। मैंने कहा चलो यार आज आपको ऐसी वीडियो बना के दिखाऊं कि आप खुशी हो जाओ भाई। मैंने इसको चल के देखा, बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल है। मैंने कहा यार चलो चल तो लिया, थोड़ा सा भाग के भी चेक करो, छलांगे मार के चेक करो जैसे कोई बंदर होता है भाई। मैंने इसकी छलांगे मारी, मैं कहता हूँ यार हर लिहाज से कम्फर्टेबल है भाई, ये मेरे व्लॉग पे बहुत ज्यादा मेहनत की। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है भाई, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को मत सब्सक्राइब करना, नहीं तो मैं भाई खुदकुशी कर लूंगा और सारा इल्जाम तुम लोगों पे डाल दूंगा। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।